अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम स्वागत आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, अच्छे अच्छे बड़े होंगे। मैं लोग कसकर रात अफान और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं। पता नहीं माइक क्वीन किसने इसको बोला है कि माइक क्वीन एक सॉन्ग बना बना इतना फोर्स कर रहा है भाई। पंजाब साइड पे काफी फेमस हुआ है सॉन्ग माइक क्वीन के नाम से। 1 महीने में 12 मिलियन व्यूज आई लिए भाई। स्वारा वर्मा और कौन कौन है, मुस्कान वर्मा, हरियाणवी सॉन्ग है, हरियाणा वालों का सॉन्ग है, हरियाणा वालों के मुस्कुराए हुए हरियाणा वाले कितने मजे ही मजे हैं। तो सॉन्ग लेकर आए, देखते हैं किस तरह का सॉन्ग है। मैं कैसे प्रेम वर्षे लोग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो मेरा कहने लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टार्ट है। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये सॉन्ग है। हां तक गवा तक गए मोटे बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के मन लेके बैठेगी या फेसबुक मेरी जान जड़ा पहली बार देखा तेरा लुक मेरी जान एक बार तो सांस गई रुक मेरी जान हुई काल जे में दुख 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 मेरी जान मन रोटी भी नहीं खाई और पानी भी नहीं पिया कई दिन तेरी फोटो ने देख देख जिया मन मेरा थारा लागने से केड़े तेरी गाल में कच्चा या बुलट तेरे चक्कर में लिया तेरे कक्के दा अड्डे देख शक हो रहा किया भैया ना भी बेरा और बेरा तेरी काकिया ने गेट की तरह मैं को देखे जावे तू भी मजा उंदे दीदार थोड़ी खोल दे न जाकिया ने तेरी जाकी के मैं गोला मारू बाट गोपिया सड़का एक निशाना चुकन दू ना छड़िया बालक बनका तेरी जाकी के मैं गोला मारू बाट गोपिया सड़का एक निशाना चुकन दू ना छड़िया बालक बनका रा तेरी जाकी के मैं बात कोई शानी लिख दू के तेरे पे कहानी लिख दू राजा लिखना चाहूं तो मैं मेरी रानी लिख दूं के नखरे दिखावा मन फेर भी तू क्यों भी राची राची मन गया रुका पुकार करूं तो तू मैं बता दूंगे मैं तन्ने प्यार करूं तू भी ओड़ी ओड़ी तेरे पापा ने मना ले और मैं भी घर जाकर मेरे बाबू ने प्यार करूं मैं भी घर जाकर मेरे बाबू ने प्यार लिख दूं के स्टोरी तो बताया ही नहीं सीन आगे क्या हुआ वो कहानी लिख दी। ये बहुत ही अलग किस्म की लैंग्वेज है। जब बंदर वहाँ पे कुछ गुजारेगा कुछ बिक्री तक समझ आ रही थी, काफी तक समझ आ रही थी ना यार। मैं मतलब समझता हूँ लेकिन मेरे जो जुबान है वो बिल्कुल ऐसे मतलब साथ नहीं देता कि मैं उसके तलफ्फुज या उनकी जो वर्ड है वो बंदा अदा करे मतलब बोल पाए। वैसे इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है चाहे पंजाबी हो या हरियाणा वाले हो। लेकिन ये तो सॉन्ग माय क्वीन के नाम से एक और लैंग्वेज भी है वो भी इस तरह के होते हैं। भोजपुरी है पता नहीं इस तरह कुछ और भी है पाल वाले नहीं भोजपुरी है मेरा भोजपुरी वो भी कुछ बहुत ही मजा वो करते हैं। एक तो वो भी है जिसकी फिल्में बहुत ही अच्छा अच्छा थे मैं कभी कभार कमेंट्री उसका सुन लेता हूँ। ये आप हमेशा बोलते भी हो जो बहुत ही मजेदार भोजपुरी होती है एक और भी यार
और दरमियान में रुक के जो सोच लेता है कि भाई जवानी था, एक जमाना था, एक दौर था, चला गया। ऐसा ही होता है, मैंने पहले ही बात की जवानी किसी चीज होती है। हम लोगों की जवानी थी वही कहते थे कि जवानी में बंदा राजा रहता है भाई, इसकी कदर करो जवानी की। बाद में जो है फिर खत्म, फिर जवानी गुजर जाती है ना, फिर आप राजा से आके जो एक आम बंदा बन जाते हो। तो जवानी बहुत ही अहम हिस्सा होते है। तो ये एक सॉन्ग था, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, लाइन बहुत ही अच्छे बनाए हुए थे, मुझे बिल्कुल समझ आ रही थी। बट वो बंदा जो है बोल नहीं पाता है, लेकिन समझ सारा कुछ आ रहा था इस सॉन्ग का। बाकी अगर सॉन्ग पसंद आया प्लीज सर्च चैनल फॉर डायरेक्टर्स साथ में जो बेला कहने लाइव जरूर करें। तो बच्चे के सबको मिल रहा है स्वाभाविक के लिए। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।